देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आरडी शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर आपका आरडी शर्मा और एनसीईआरटी दोनों में फोर्थ है भाई। और लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 4.6 में थे, और उसमें हमने क्या पढ़ा कि आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट है ना उनकी नेचर कैसे चेक करोगे, और उनके जो रूट्स की नेचर है वो किस पे डिपेंड होती है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट भाई बी स्क्वेयर माइनस 4ac होता है। इस पे डिपेंड होगी कि रूट्स की नेचर कैसी होगी, नेचर मतलब रियल होंगे कि नहीं होंगे। अब उसके जो रूट हैं वो रियल कब होंगे? अगर बी स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो तो रूट रियल होंगे, लेस देन 0 हो तो रूट रियल नहीं होंगे। हाँ, ग्रेटर देन 0 है तो रियल भी होंगे, साथ में वो अलग अलग भी होंगे। पर अगर जो इक्वल टू 0 है ना, रियल तो होंगे ही होंगे पर साथ में वो कौन होंगे भाई, सेम भी होंगे। तो यहां तक हमने पढ़ा है। उसके बाद अपने क्वेश्चन है भैया 23। तो 23 पढ़ना एक बार, आपके सामने जो स्टेटमेंट है वो लिखी हुई है, पढ़ लो। देखो क्या को है, वो ये को है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना इसके दोनों जो रूट है ना वो रियल और इक्वल तभी पॉसिबल है जब ये तीनों चीज इक्वल हो। यानी इसके जो रूट है ना वो रियल एंड इक्वल दे रखे हैं, रियल और इक्वल दे रखे हैं, और हमने प्रूव करना है कि a इक्वल टू b इक्वल टू c होगा। अब सीधी सी बात है भाई, अगर किसी क्वाड्रेटिक के जो रूट है वो रियल और इक्वल हो, रियल और इक्वल हो, तो जो डिस्क्रिमिनेंट है इक्वल टू कौन होगा, 0, तो वहां से प्रूव हो जाएगा। तो वो जो क्वाड्रेटिक है ना उसका निकालोगे डिस्क्रिमिनेंट, और इक्वल टू कौन, 0, तो वहां से अपने आप पर हो जाएगा। पर पहले जो क्वाड्रेटिक है ना इसको इस फॉर्मूले का हो, और इस फॉर्मूला लाने के लिए ये मल्टीप्लाई हमने करनी पड़ेगी। तो मल्टीप्लाई मैंने कर दी, देखो कहां तक की मल्टीप्लाई होगी, शायद लास्ट में पहुंच गए ना, एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स माइनस का सी एक्स, अब माइनस के सी और माइनस के ए की मल्टीप्लाई, तो प्लस ए सी इक्वल टू कोण 0। अब पहले एक्स स्क्वेयर की टर्म इकट्ठी करो, एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर यानी 3x स्क्वेयर। उसके बाद अब खाली x, देखो खाली x मेरा कहां पर है, बल्कि इकट्ठे हो जाएंगे, माइनस का 2ax माइनस का 2bx और माइनस का 2cx, तो माइनस का 2x मैंने कॉमन, तो अंदर बचेगा a प्लस बी प्लस सी। और उसके बाद कॉन्स्टेंट भाई, कॉन्स्टेंट कौन कौन है मेरे, जिसके साथ x नहीं है वो कॉन्स्टेंट होगा, तो कॉन्स्टेंट है मेरा ए बी प्लस बी सी और प्लस में कोण ए सी इक्वल टू कोण 0। यानी जो क्वाड्रेटिक है ना उस पर हमें आ गए ना, अब वो कह के हैं इसके जो रूट है ना वो इक्वल और रियल हैं, कब, ओनली व्हेन ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। तो अब देखो भी तो भाई, तो ऐसे लिखोगे तो गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स कब भाई, ओनली व्हेन, क्या प्रूव करना हमने, a इक्वल टू b इक्वल टू c। अब देखो तो लो सारा, अगर इसके रूट रियल और इक्वल हैं, रियल और इक्वल हैं, तो क्या होगा मेरा जो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा, कब भाई, ओनली व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू कौन होगा, 0। अब ये हमने भी आओ निकालना, निकाल लो, तो ओनली व्हेन निकाल लो, क्या होता हमारा डिस्क्रिमिनेंट, x का जो कोफिशिएंट है उसका करोगे स्क्वायर, करना स्क्वायर भाई, तो 2 का स्क्वायर 4 इनटू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस 4 इनटू x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 में इनटू कांस्टेंट
बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू कौन है, जीरो। अब देखो फोर तो यहां तक कॉमन आ जाएगा, फोर तो मेरा क्या हो गया कॉमन आ जाएगा, तो ओनली व्हेन फोर तो कॉमन में अंदर कौन होगा, खोलो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ये होगा मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी। अब फोर तो मैंने कॉमन ले लिया, यानी माइनस का थ्री बचा हुआ, करो माइनस का थ्री अंदर मल्टीप्लाई, तो माइनस का थ्री ए बी माइनस का थ्री ए बी और माइनस का थ्री बी सी भी माइनस का थ्री बी सी और माइनस का थ्री ए सी बनेगा, माइनस का कोण थ्री ए सी, हटा लो इसको यहां पे, तो माइनस का थ्री ए सी इज इक्वल टू कोण जीरो बनी। अब करना सिंपलीफाई एक बार, ओनली वहन क्या बनेगा, देखो फोर तो मेरा बाहर है, फोर तो मेरा बाहर ही रहेगा, अब करो बाकी इकट्ठे एक बार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां देखो एक बार भाई, टू ए बी माइनस में थ्री ए बी यानी माइनस का ए बी बनेगा, टू बी सी माइनस में थ्री बी सी तो माइनस का बी सी बनेगा, और टू ए सी माइनस में थ्री ए सी तो माइनस का ए सी इक्वल टू कोण जीरो। पर हमने तो क्या प्रूव करना है, हमने तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी प्रूव करना भाई। देखो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी कैसे बनेगा आपका भाई, उसके लिए जो है ना एक स्टेप आपको भी याद करना पड़ेगा भाई। देखो क्या स्टेप है, यहां पर फोर है ना, आप इस फोर में से टू अंदर लेकर जाओ, इस फोर में से क्या करो टू को अंदर टू बाहर रखो, तो ओनली व्हेन टू बाहर और एक टू को अंदर लेकर जाओ, तो टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर भी टू बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर भी टू सी स्क्वायर माइनस का टू ए बी माइनस का टू ए बी माइनस का टू बी सी माइनस का टू बी सी और माइनस का टू ए सी बनेगा इज इक्वल टू कोण जीरो। देखो टू अंदर कौन लग गए, ताकि यहां पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, देखो यहां परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे, अब ये टू ए स्क्वायर है ना, इस टू ए स्क्वायर मत है, एक ए स्क्वायर बाहर लो, एक यहां तक बी स्क्वायर बाहर लो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी, ए माइनस बी का स्क्वायर होगा, तो ओनली व्हेन ये टू तो है मेरा बाहर, तो एक ए स्क्वायर यहां पे एक बी स्क्वायर यहां पे माइनस में टू ए बी मिलकर कौन होगा ए माइनस बी का स्क्वायर। अब यहां पर टू बी स्क्वायर है, एक तो बी स्क्वायर यहां लिया पर एक बी स्क्वायर यहां बचा हुआ है, प्लस एक सी स्क्वायर लो यहां पे, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का टू बी सी, तो बी माइनस सी का स्क्वायर होगा बी माइनस सी का होल स्क्वायर। देखो दोनों बी बार आ गए मेरे, दोनों बी स्क्वायर आ गए ना, एक तो ए स्क्वायर बचा हुआ है एक सी स्क्वायर बचा हुआ है, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में टू ए सी, तो ए माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कौन जीरो। अब एक छोटा सा बेस कोर्स सुनो, बल्कि हमने कल परसों कई बार कर लिया, कोई भी नंबर का स्क्वायर हो, कोई भी नंबर का स्क्वायर हो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है, कोई भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। अब इस नंबर का स्क्वायर है तो वैल्यू कौन होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। पर मैं ये कहूं इनकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो ही नहीं सकती, क्यों, अगर आप इनकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो लोगे ना तो सम आपका जीरो आवे कौन है, मान ले आपने जीरो पॉइंट वन ले ली
तो 0.1 + 0.1 + 0.1 तो 0.3 आया, वो कब है 0। देखो ये बात तो कंफर्म है कि इनकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, पर ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकती। क्यों? ग्रेटर देन 0 होते ही सम आपका 0 एक होना हो, तो इनकी वैल्यू क्या होगी? फिर 0 होगी। क्या होगी? इसकी भी वैल्यू 0, इसकी भी 0 और इसकी भी कौन होगी? 0। बल्कि बेस होता है मेरा, क्या बेस होता है? अगर स्क्वायर का सम, अगर स्क्वायर का सम इक्वल टू 0 होना तो वो तभी पॉसिबल है जब हर एक टर्म 0 हो, यानी हर एक टर्म क्या होगी यहां पे 0। रख दो हर एक टर्म, 2 तो 0 में मिक्स हो गए, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू भी 0 होगा एंड b माइनस c का होल स्क्वायर इक्वल टू भी 0 होगा एंड a माइनस c का होल स्क्वायर इक्वल टू भी कौन होगा 0। ये स्क्वायर तो आपका 0 में मिक्स हो जाएगा, यानी a माइनस b इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू b आ गया एंड ये स्क्वायर तो 0 में चला गया, तो b माइनस c इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू c आ जाएगा यहाँ पे b इक्वल टू c एंड a इक्वल टू कौन आ गया c। अब यहाँ देखो a इक्वल टू b, b इक्वल टू c और c इक्वल टू a, तो मतलब तीनों इक्वल हैं, तीनों ही मेरे क्या हैं इक्वल। तो यहाँ से मेरा बनेगा a इक्वल टू b इक्वल टू कौन c। तो देखो भाई स्टेप्स हैं याद करने पड़ेंगे। पहली बात तो जो क्वाड्रेटिक है ना उसको इस फॉर्म में लेकर आओ, तो वो इस फॉर्म में ले आए। उसके बाद खुद कहो वो कि ये जो क्वाड्रेटिक है ना इसके रूट रियल और इक्वल हैं। इसके रूट कैसे मेरे रियल एंड इक्वल हैं। अगर इसके रूट रियल एंड इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा। हमने अपने वाला निकाल लिया इक्वल टू 0। अब इसके बाद तो सिंपलीफाई है, स्टेप याद करने पड़ेंगे। पहले तो क्या करेंगे, खोल दिया, ये खोल लिया, पूरे में से 4 कॉमन यहां पहुंच गए। पर प्रूव तो हमने क्या करना है, प्रूव तो हमने a इक्वल टू b इक्वल टू c करना है भाई। अगर हमने a इक्वल टू b इक्वल टू c प्रूव करना है ना, तो स्टेप सही है, इस 4 में से 2 लेकर जाओ अंदर, उसके बाद यहां से ये परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे। अगर ये बेस होता है, अगर स्क्वायर का सम इक्वल टू 0 हो तो कब पॉसिबल है, जब हर एक टर्म 0 के बराबर होगी। तो वहां से प्रूव हो गया मेरा। और देखो भाई पढ़ो क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ने एक बार भाई। 24 में लिखा हुआ है इफ का मतलब वही गिवन होता है, गिवन है भाई ए बी एंड सी, ए बी एंड सी आर रियल नंबर, आर रियल नंबर। ए बी और सी मेरे कौन है भाई, रियल नंबर है। सच डेट कि एसी इक्वल टू नहीं है 0, तो एसी है ना उसकी प्रोडक्ट इक्वल टू 0 नहीं है और हमने शो करके दिखाना है, देन शो डेट, देन शो डेट क्या शो करना भाई, एट लिस्ट, एट लिस्ट वन ऑफ द इक्वेशन, वन ऑफ द इक्वेशन में कौन सी, एक तो मेरी इक्वेशन है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड एक मेरी इक्वेशन है भाई माइनस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज रियल रूट, हैज रियल रूट्स भाई। पढ़ना थोड़ा सा अलग सा कुछ नहीं है भाई। देखो कवर के हैं
वो ये को है ए बी और सी तीन रियल नंबर हैं और खासियत है कि ए और सी की जो मल्टीप्लाई है ना वो जीरो के इक्वल नहीं है, पर हमने शो करना है कि इन दोनों में से कम से कम एक इक्वेशन ऐसी जरूर है जिसके रियल रूट होंगे इनमें से, जो है ना कम से कम एक तो पक्की बात है, एटलीस्ट मतलब होता कम से कम एक तो ऐसे जरूर है जिसके रियल रूट होंगे। और रियल रूट कब होते हैं भाई, रियल रूट कब होते हैं मेरे, जब जो डिस्क्रिमिनेंट है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू कौन हो, जीरो हो। यानी हमने प्रूव करके दिखाना है कि इन दोनों में से कम से कम एक तो इक्वेशन पक्की है कि जिसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। इन दोनों में से एक तो इक्वेशन ऐसी जरूर होगी कि जिसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू कौन होगा, जीरो, तभी तो रियल बनेंगे रूट। तो देखो भी तो करो प्रूफ। तो सॉल्यूशन, तो गिवन इक्वेशंस आर कौन कौन है भाई, पहले आपकी इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, एंड सेकंड कौन है माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो भाई। इसको नाम दो इक्वेशन नंबर वन, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर टू। पर हमने प्रूव करना है कि इन दोनों में से एक का तो जो डिस्क्रिमिनेंट है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा ही होगा। तो आप क्या करो, इसका भी निकालो डिस्क्रिमिनेंट और इसका भी निकालो डिस्क्रिमिनेंट। एक का तो पक्का ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, पहले वाले निकाल लो। तो फ्रॉम इक्वेशन वन, तो डिस्क्रिमिनेंट में कौन होता है मेरा, बी स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए और कॉन्स्टेंट मेरा सी है। ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ना वो मैंने डी वन के बराबर मान लिया। उसके बाद जो इक्वेशन टू है उसका भी निकाल लो डिस्क्रिमिनेंट। तो फ्रॉम इक्वेशन टू, तो इसका भी निकाल लो डिस्क्रिमिनेंट। क्या बनेगा भाई, एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस फोर इंटू यो। अब देखो ये माइनस का तो माइनस माइनस प्लस फोर ए सी। ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ना वो मैंने D2 के बराबर मान लिया। अब हमने प्रूव करना है कि D1 और D2 में से एक तो नंबर ऐसा जरूर है जिसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी, जिसकी वैल्यू क्या बनेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तभी तो रियल बनेंगे रूट। अब इसमें दो केस बनेंगे, क्योंकि जो D1 D2 की वैल्यू है ना ग्रेटर देन जीरो होगी कि लेस देन जीरो होगी, वो इस एसी पर डिपेंड है। किस पर डिपेंड है भाई, एसी पर डिपेंड है। क्यों, क्योंकि देखो नंबर के ऊपर स्क्वायर है, इसकी तो वैल्यू पॉजिटिव आनी है, इसकी तो वैल्यू हमेशा क्या आनी है, पॉजिटिव। अब पूरे की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी वो डिपेंड है एसी के ऊपर, कि एसी आपका ग्रेटर देन जीरो है कि एसी आपका लेस देन जीरो है। इक्वल टू जीरो हो नहीं सकता तो खुद मना करें, यानी ग्रेटर देन जीरो के लेस देन जीरो है वो इस एसी पर डिपेंड है। तो अब इसमें दो केस बनाने पड़ेंगे भाई। केस वन, कि इफ जो एसी है ना मान लो ग्रेटर देन जीरो है, एसी मेरा कौन हो, ग्रेटर देन जीरो हो। अगर एसी मेरा ग्रेटर देन जीरो है तो मैं एक बार यहां देखना, एसी मेरा जीरो से बड़ा है, एसी मेरा क्या है, जीरो से बड़ा है। तो आप यहां तो बता ही नहीं सकते कि वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी कि लेस देन जीरो होगी। मान लिया आपको एसी मेरा जीरो तो बड़ा है, अगर मान जीरो तो बड़ा वन हो, कौन हो, वन। बी स्क्वायर मैंने मान लिया आपका सेवन है, एसी मान लिया वन, यो मान लिया सेवन, तो सेवन माइनस में फोर तो कौन आई वैल्यू, थ्री आई नहीं, और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ गई। पर अगर मैं बी स्क्वायर की वैल्यू वन मान लूं, बी स्क्वायर की वैल्यू वन और एसी मैंने वन मान रखे हैं,
तो 1 - 4 × 1 = 4, तो 1 - 4 फिर माइनस का 3 और लेस देन 0 आ गया। और अगर आपका एसी ग्रेटर देन 0 है ना, तो डी1 के बारे में तो पता ही नहीं सकते कि वो ग्रेटर देन 0 होगा कि लेस देन 0 होगा। तो इफ एसी ग्रेटर देन 0 तो देन डी1 कैन नॉट सी, तो इसके बारे में तो आप कुछ कह ही नहीं सकते भाई कि ग्रेटर देन 0 होगा कि लेस देन 0। समझा दे मैंने, अरे आप एसी को ग्रेटर देन 0, आप ग्रेटर देन 0 सोच लो, मान लिया मैंने 1 सोच लिया, 0 से बड़ा है ना, यहां लिखो 1 तो 4 × 1 = 4। अब डिपेंड है बी स्क्वायर पे, अगर मैं बी स्क्वायर की वैल्यू 7 ले लूं तो 7 - 4 = 3 यानी डी1 0 तो बड़ा आ गया। अगर मैं बी स्क्वायर की वैल्यू 1 ले लूं तो 1 - 4 - 3 यानी 0 से छोटा आ गया। यानी इसके बारे में आप कुछ कह कौन सकते फिर कि ग्रेटर देन 0 होगा कि लेस देन, इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। एंड डी2 के बारे में क्या कह पाओगे, देखो एसी अगर मेरा 0 से बड़ा है, ये नंबर 0 से बड़ा प्लस ये भी 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा है और टोटल बीच में प्लस है, यानी डी2 तो मेरा क्या हुआ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी एक दिन मतलब है ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी एक तो पक्की बात है कि एक के तो जो रूट है वो रियल होंगे ही होंगे। उसके बाद केस 2 में, केस 2 इफ जो एसी है ना मान लो लेस देन 0 है, एसी मेरा कौन हो लेस देन 0 यानी नेगेटिव है। अब देखो अगर एसी मेरा लेस देन 0 है, पहले आप डी1 को ऊपर आओ तो देन डी1, देखो डी1 अगर एसी मेरा लेस देन 0 है, आप कुछ भी मान लो, मान लिया आपने माइनस का 1 मान लिया, यहां रखो माइनस का 1 और 1 - 12 तो नंबर प्लस का हो जाएगा, नंबर किसका हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का है मेरा तो प्लस का प्लस में फिर प्लस का, तो नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आओगा नहीं, तो d1 कौन होगा मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड अब d2 को ऊपर आओ, ac मेरा नेगेटिव है, ac मेरा क्या है नेगेटिव है, तो फिर वही बात मान नेगेटिव आपका माइनस 1 है, मान ले ac की वैल्यू नेगेटिव कौन है माइनस 1, फिर 4 तक करोगे मल्टीप्लाई तो माइनस का 4, ये माइनस का 4 हो गया। अब अगर b स्क्वायर की वैल्यू मान ले 1 है तो 1 - 4 - 3 यानी वैल्यू आपकी लेस देन 0 आई, पर अगर b स्क्वायर की वैल्यू मान ले 8 हो तो 8 - 4 फिर पॉजिटिव आ गई। यानी आप कुछ कह नहीं सकते किसके ग्रेटर देन 0 होगी कि लेस देन 0। एंड d2 कैन नॉट सी, पर इसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते। यानी आपके दोनों केसेस के अंदर, दोनों केसेस के अंदर d1 और d2 मत है, एक की तो वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, एक की तो जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है मेरी, यानी कम से कम एक तो इक्वेशन ऐसी जरूर होगी जिसके रूट कैसे होंगे मेरे रियल होंगे। तब आप ऐसे लिख दोगे लास्ट में भाई कि फ्रॉम अबोव रिजल्ट तो देन शो डेट एट लीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन हैज रियल रूट, यानी कम से कम एक तो इक्वेशन ऐसी जरूर होगी जिसके रूट मेरे क्या होंगे रियल होंगे। अब अपना एक क्वेश्चन और है भाई, बिल्कुल आसान है, तुम चाहो तो तुम अपने आप भी कर पाओगे, तो खाली मैं आपको समझा दूं। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई, वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना उसके रूट इक्वल हैं, उसके रूट कौन है इक्वल हैं, कौन है मेरी वो क्वाड्रेटिक मेरी भाई क्वेश्चन नंबर 25 भाई, वो मेरी 1 + m² x² + 2mcx + c² - a² = 0। इसके जो रूट है ना वो इक्वल है, और आपने प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है भाई c² = a² × 1 + m², ये प्रूव करना है। अब देखो अगर इसके रूट इक्वल है तो जो डिस्क्रिमिनेंट है
अगर रूट इक्वल है तो इक्वल टू जीरो लिख के बार तुम लेना। तो जो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो होगा और वो हमने भी हमने करना अपने वाला कौन एक्स के कोफिशियंट का स्क्वायर क्रॉस का स्क्वायर तो 4m² c² माइनस 4 इंटू ये इंटू ये हो गई 1 + m² इंटू में कौन c² माइनस a² इक्वल टू जीरो। देखो 4 तो कॉमन, 4 तो मेरा कॉमन, इसको करो सिंप्लीफाई m² c² माइनस 4 तो कॉमन आ गया, करना एक बार मल्टीप्लाई पर बाहर माइनस है तो साइन भी चेंज होंगे, करो 1 × c² c² 1² - a² के माइनस ए स्क्वेयर m² c² इस किसके करो माइनस m² a² इक्वल टू जीरो। कुछ कटे भाई? शायद कुछ नहीं कटता, कुछ तो कटना चाहिए था भाई, कुछ हमने गलती कर दी होगी। 1² - c² फिर यो +a² आऊगा क्योंकि -a² पर बार, फिर m² c² प्लस का पर या बार माइनस है ना तो इसको माइनस का बना देंगे, फिर m² a² माइनस का पर या बार माइनस इसको प्लस, इससे यो कैंसिल 4 आपका जीरो में मिक्स हो गया तो -c² + a² +m² a² इक्वल टू जीरो। इसको ले जाओ साइड और यहां से ए स्क्वेयर कॉमन लो, अंदर बचेगा 1 + m² इसको ले जाओ साइड और देखो वही हमने प्रूव करना है। तो जो गिवन इक्वेशन है ना उसके रूट मेरे कैसे हैं इक्वल है, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो होगा, सोल्व करें